डाउ फ्यूचर्स भी वॉलेटाइल है। क्या हुआ आपकी रणनीति, इस सब पर बात करेंगे हम। पहले आपको बता देता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स कौन से हैं जो आज इस शो में हमारी मदद करने वाले हैं। टेक्निकल गेस्ट हमारे साथ हैं राहुल शर्मा जी, जेएम फाइनेंशियल्स के। ये ट्रेडर 2 भी आपको बताएंगे, ट्रेडर 230 पेश करेंगे मुदित गोयल साहब, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। एंड ट्रेडर 3 बताने के लिए हमारे साथ आज एक नए मेहमान है, नागराज सेठी साहब, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। और प्रकाश दीवान जी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। अब वो हमें समझाएंगे कि वो कैसे देख रहे हैं बाजार में इस वॉलिटिलिटी को, prakashdiwan.in के प्रकाश दीवान। और अनलॉक 2.0 तो आपको किस तरह से रीड करना चाहिए, ध्यान रखिए कल गाइडलाइंस आने वाली हैं। और लक्ष्मण हमें इसके ऊपर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है कल के सत्र में, तो दिखाया था। लेकिन चलिए हमारे तीसरे मेहमान को भी जोड़ते हैं, नागराज शेट्टी साहब हैं हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। नागराज जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो अपना व्यू बताइए, मार्केट को आप किस तरह से आज रीड कर रहे हैं और कोई एक बढ़िया शानदार पिक भी दीजिए प्लीज। जी हाँ, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। निफ्टी तो कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा नीचे के लेवल पे आज के दिन। कल के शानदार रिकवरी के बाद आज के दिन हम थोड़ा नर्वसनेस देखे निफ्टी में। अभी रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। एक खास बात है, ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द निफ्टी कंप्लीट जो चार्ट पैटर्न डेली या वीकली का आप देखोगे, निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ है अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड इज इंटैक्ट। जो भी नीचे में अगर मार्केट आएगा अराउंड 10,200 के आसपास, अच्छा खासा सपोर्ट है आज के दिन के लिए। अगर उसके नीचे आता है तो 10,000 का स्ट्रांग सपोर्ट है। सो आज के दिन के लिए मार्केट बैंड में घूम रहा है अराउंड लोअर के लेवल पे, 10,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से आज के दिन में मार्केट सस्टेन करेगा। और इवन दो आज अपसाइड मूवमेंट नहीं आए तो इवन छोटे मोटे लॉस में अगर माइनस में अगर मार्केट क्लोज होता है तो भी उतना कुछ खास चिंता नहीं है मार्केट के लिए। एक आध दो दिन में मार्केट अपसाइड बाउंस दे सकता है, क्योंकि मार्केट जो रिवर्सल के बाद लास्ट दो सेशन में मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब है निफ्टी में अभी भी बाइंग पे स्ट्रेंथ है, छोटे छोटे डिक्लाइन में बाइंग इमर्ज हो रहा है। इसके लिए मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए और रेंज बाउंड का इवेंचुअली अपसाइड ब्रेकआउट रहेगा। और एक बार अपसाइड ब्रेकआउट रहेगा 10,350 के ऊपर, हम देख सकेंगे ऊपर वाला 10,550-600 के आसपास, वही नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट में। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। आज के दिन आपका है तो मार्केट ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, रेंज बाउंड है, थोड़ा सा कुछ अपसाइड में इंट्राडे के लिए थोड़ा अपसाइड में आ सकता है टुवर्ड्स द एंड। और स्टॉक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है इंजीनियर्स इंडिया, आप चार्टिकली देखोगे इंजीनियर्स इंडिया काफी डिक्लाइन के बाद कंसोलिडेट हुआ और स्ट्रक्चरली स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। लास्ट 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंटम, आज मार्केट गिरने के बावजूद भी ये स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे। और मोमेंटम ऑसिलेटर लाइक आरएसआई और इवन वॉल्यूम पैटर्न और एमएससीडी पूरा एक इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में इंजीनियर्स इंडिया में थोड़ा दम है ऑन द वे अप। सो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बाइंग के लिए अच्छा है और करंटली अराउंड 82.30-82.40 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक आज कोई बाय कर सकते हैं ये रेट पे, नीचे के लेवल पे डिप्स में 80 के आसपास रखिए और स्टॉप लॉस 76-77 तक रख सकते हैं और ऊपर के लेवल पे 90 तक टारगेट बन सकते हैं एक हफ्ते में। अब्बे के टारगेट के लिए एक हफ्ते का व्यू लीजिए इंजीनियर्स इंडिया ईआईएल पर रखिएगा नजर। आज देखिए हमारे तीन मेहमानों में से दो मेहमान पीएसयूज के ऊपर राय दे रहे हैं। ईआईएल अभी अभी आपको नागेश जी ने बताया है और दीवान साहब कह रहे हैं कि बीडीएल खरीदिए, ध्यान रखिएगा बीडीएल के आज नतीजे आने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जब नंबर्स आए थे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ बीडीएल भी भागा था और आज दरअसल उसके नतीजे खुद के आएंगे आ रहा है। नागेश जी से भी एक राय लेते हैं। नागेश जी, स्पाइसजेट आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर तेजी हो रही है, कितना और बढ़ सकता है दिन के दौरान? नागेश जी आपका, आपकी राय चाहिए स्पाइसजेट पर। जी हाँ, स्पाइसजेट कंटिन्यूस साइडवेज मूवमेंट में चल रहा था काफी दिनों से, आज नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिकवरी आया है। सुबह ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे खुला, अच्छा खासा रिकवरी आया है। लास्ट 4-5 दिन का जो भी अपसाइड ब्रेकआउट था
करीब करीब 52-53 के आसपास से अभी वो ऊपर से अटेम्प्ट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। टेक्निकली हम ये मानते हैं कि 52-53 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करता है तो अपसाइड ब्रेकआउट माना जाएगा और इसका नतीजा जो रहेगा शार्प अपसाइड मोमेंटम रहेगा। सो एक आध दो दिन के लिए चालू रह सकते हैं मोमेंटम। मेरे ख्याल से अभी बाय कर देना चाहिए ए लेवल पे और नीचे में थोड़ा मिलता है तो नीचे में डिप्स में भी अगर 50 तक मिलता है तो डिप्स में भी एवरेज कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट अराउंड 57-58 रह सकता है आगे वाले दिनों में और नीचे का स्टॉप लॉस रखिए 50 के आसपास, उसको ट्रेल करते जाइए। और अब बात करते करते ये शेयर 7% निचले स्तरों से रिकवर हो चुका है, तो टिकर टीम से दरखास्त होगी कि दोनों एयरलाइन कंपनियां दिखाएं ये इंडो नेशनल का जो फ्लैश है ये हो गया, अगला एयरलाइन कंपनियां दिखाइए। नागराज जी ने कहा है कि EIL खरीदिए, HDFC बैंक पर भी कॉल साफ है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली निचले स्तरों से देखिए अब देखने को मिल रही है, लेकिन जिनमें अच्छी रैली निचले स्तरों से देखिए अब देखने को मिल रही है। नागराज जी से इस पर भी एक राय ले लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक स्टेबल था, लेकिन जो बातों बातों में देखिए जो दीवान साहब की कमेंट्री होती है ना कि जो बंधुओं में मतभेद वाली बात है, देखिए यही दरअसल इस शेयर को नीचे भी खींच रही है एज ऑफ नाउ। तो 8% नीचे है ये शेयर, नागराज जी बताइए कैसे अप्रोच करेंगे इसे आप? डेफिनेटली अशोक लेलैंड का ट्रेंड डाउन है काफी दिनों से, लास्ट 2-3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर ऊपर में बिल्ड होता जा रहा था। इवन दो लास्ट 3-4 महीने का आप चार्ट स्टडी करोगे बड़ा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है, रेंज में चला है। इवन दो ये अशोक लेलैंड ऊपर की तरफ सस्टेन हुआ है लेकिन बड़ा तेजी नहीं हुआ है, एक एक या दो दो दिन के अपों के बाद ये स्टॉक्स काफी गिरा हुआ है। वैसा ही हम देख सकते हैं लास्ट वीक के थोड़ा सा अपसाइड बाउंस के बाद ये स्टॉक सेलिंग प्रेशर में आ गया, ज्यादा कुछ वीकनेस भी नहीं मैं बोलूंगा इस समय, ये थोड़ा रेंज के हिसाब से थोड़ा डाउनवर्ड करेक्शन है। मेरे ख्याल से 45 के आसपास 44-50-45 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए, उधर से अपसाइड बाउंस आना चाहिए एज कम्पेयर टू जो भी पिछला हुआ ट्रेंड है या वीकली या डेली है या मोमेंटम के हिसाब से। मेरे ख्याल से फिलहाल अभी एक आध दो दिन के लिए सेल कर सकते हैं या जिसके भी पोजिशन में हो होल्डिंग में निकाल सकते हैं लॉन्ग पोजिशन, और नीचे के लेवल में इधर बाय ऑन डिप्स करने के लिए मिलेगा या अप करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं। बात है इसके ऊपर नजर होगी हमारी, ये स्टॉक्शन नहीं है, ट्रेड एट 3 का वक्त हो गया है। नागराज सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं HDFC सिक्योरिटीज के, उनका ट्रेड एट 3 लेते हैं। और देखिए सुमित आपको बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं, सावधान इंडिया में आज कौन से स्टॉक्स उन्होंने चुने हैं वो बताएंगे, यतिन भी आपको दिखेंगे अभी, यतिन बताएंगे वो स्टॉक्स जो उनको पता चला है कि डीलिंग रूम में लोग खरीद रहे हैं, तो एक्शन यहां पर खूब रहने वाला है। बताइए नागराज जी पहले आप ट्रेड एट 3 कौन सा आपका? जी हाँ, मेरा फेवरेट पिक है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज FMCG स्पेस में। आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज काफी दिनों से सस्टेनेबल अप ट्रेंड में है, अभी रिसेंटली थोड़ा अप ट्रेंड स्लो हुआ है लेकिन ज्यादा गिरा नहीं है कंटिन्यूअसली। इवन दो नेगेटिव न्यूज और छोटे मोटे वीकनेस में भी और नीचे के लेवल में सपोर्ट हुआ है, और कल भी देख सकते हैं कल फ्राइडे के छोटा सा डिक्लाइन या छोटा सा कंसोलिडेशन के बाद आज क्लियरली अप ट्रेंड में है, आज करीब 3,515 के आसपास है। मेरा मानना है कि आगे वाले सेशन में ये अपसाइड रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, जो भी रेजिस्टेंस है अराउंड 3,525-30 के आसपास। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लॉन्ग पोजीशन अभी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी बाय कर सकते हैं इसके लिए ये स्टॉक को 3,475 के आसपास बाय कर सकते हैं और 3,395 का 3,395 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 3,700 के आसपास टारगेट रह सकते हैं एक आध हफ्ते में। ठीक बात है, तो ब्रिटानिया खाइए आप बिस्किट भी। और टाटा कंज्यूमर देखिए थोड़ी देर पहले आपको मुदित जी ने बताया था, आप दोनों दोस्त हैं ये मुझे समझ में आ रहा है अब, क्योंकि आप दोनों कॉफी और बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जोक से पार्ट बढ़िया स्टॉक्स हैं दोनों ही, और देखिए दोनों ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 2:30 बजे का ट्रेड आपने देखा टाटा कंज्यूमर था और ट्रेड एट 3 ब्रिटानिया, ब्रिटानिया बहुत ही शानदार शेयर है और सुबह भी हम लोगों की चर्चा हो रही थी आज FMCG बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, तो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। चलिए चलते हैं समय पर मुदित जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नागराज जी धन्यवाद, मजा आया आज आपसे बात करके, शुक्रिया आपका भी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नीरू